आपके माध्यम से देश की जनता को, खास तौर पे हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हमने 1200 ट्रेनें रिजर्व कर दी हैं। उनको बाकी कामों से निकाल के 1200 ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रखी हैं, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं रोज। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। अब उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, लगभग 400 ट्रेनें अभी तक उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है। बिहार के लिए 200 से अधिक ट्रेनें रवाना हो चुकी है। आखिर ये राज्य भी ले रहे हैं अपने लोगों को, घर वापसी बुला रहे हैं, घर वापसी लाके उनका, उनको पैसा भी दे रहे हैं, उनको अपने घर भी पहुंचा रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल ने कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ 2 ट्रेन की परमिशन दी, फिर माननीय गृह मंत्री ने उनको पत्र लिखा तो उस दिन उन्होंने कहा कि हम 8 और ट्रेन लेंगे। पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है वो 8 ट्रेन भी आज सुबह तक उन्होंने नहीं ली थी, सिर्फ 5 ले उसमें से। तो पहले की 2, बाद में 5, कुल 7 ट्रेनें आज दोपहर को 3:30-4 बजे तक, कुल 7 ट्रेनों की परमिशन पश्चिम बंगाल की सरकार ने दी थी। आज शाम को हमें बताया गया है कि 105 ट्रेन पश्चिम बंगाल की सरकार लेगी अगले 30 दिनों में, यानी आज से लेके 15 जून तक मात्र 105 ट्रेन की परमिशन देने की हमें सिर्फ सूचना मिली है। आंसर साफ है, अगर उनको प्रवासी मजदूरों को भेजना है तो 1200 ट्रेन चलाए हैं, तो प्रवासी मजदूर आने के लिए परेशान है। इसमें राज्य सरकार भी चाहते हैं कि हमारे मजदूर वापस आ जाएं, तो उनको सारे मजदूर को जहां से चलाए हों फ्री कर दें कि सारे मजदूर जो जो चल रहे हों। अभी देखिए, अभी फ़ोन हम लोग को कल से आ रहा है, हमारे कुछ झारखंड के मजदूर अभी गुजरात में फंसे हुए हैं, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें रोक के रखा गया है। जब निकलने का चाहते हैं कि हम निकलेंगे अपने घर जाएंगे, तो वो बोलते हैं कि प्रशासन द्वारा हमें रोक दिया जा रहा है। तो सरकार द्वारा इतना लेंदी प्रोसेस किया गया है इसको लाने का, मजदूरों को लाने का, कि बहुत सारे मजदूर भाई को पता नहीं चलता है कि हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कहाँ हम जाके रजिस्ट्रेशन कराएं, कहाँ नाम लिखवाएं, और कहाँ से ट्रेन पकड़े, कहाँ से खुलती है। तो एक जहाँ से सब सीमित बता देना चाहिए कि इस स्टेशन से खुल रही है ट्रेन, तो मजदूर जो जाना चाहेंगे वो अपना चले जाते हैं। तो इसमें झारखंड गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट के किसी का कोई तालुकात नहीं है, उसमें तो केंद्र को ही दिलचस्पी लेना चाहिए, केंद्र को ही सारे मजदूर। देखिए, पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं और बहुत ही अच्छे रहे हैं मंत्री, लेकिन उनको भी होना समझदारी होना चाहिए, दोनों को तालमेल से ही चलेगा। इस कोरोना महामारी में ना तो राजनीति वो करे, ना तो झारखंड की सरकार करे, और दोनों को तालमेल से मजदूरों को लाने का कृपया करेंगे और साधन दें, क्योंकि मजदूर अभी भी बहुत से जगह गुजरात में फंसे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में भी फंसे हुए हैं, बहुत से ऐसे जगह पे हैं जहां से हम लोग को लगातार फ़ोन आ रहा, महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं लोग, लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि भैया हम लोग को दिक्कत हो रहा खाने में, ये चीज़ की सुविधा नहीं है, ये चीज़ का सुविधा नहीं है। तो दोनों को तालमेल से चलना होगा, ये नहीं कि अगर ठीक है हम लोग मानते हैं महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार हेमंत सरकार बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, मजदूरों को लाने का काम किए हैं, मजदूरों को यहाँ तक कि मजदूर लोग बोला कि अगर हेमंत नहीं रहता तो हम लोग भूखे मर जाते, सारे लोग आए थे तो सराहना किए। उसी प्रकार हम लोग चाहते हैं कि रेल मंत्री का भी सराहना हो, और रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी हमेशा तालमेल करके चलें और मजदूरों को लाने की कृपा करें, यही में सरकार और जनता का भलाई है। ना जनता को तड़पते नहीं देखना चाहिए, सरकार को या केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों को मिलके ही, दोनों को मिलके लेके चलना चाहिए और जनता के बीच बचाव करना चाहिए। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIPM साई टावर 4th फ्लोर सर्कुलर रूट।